कोरबा के मूर्तिकारों ने पक्की मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग जिला प्रशासन से की है। जिले के मूर्तिकारों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है आगामी गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा, विश्वकर्मा पूजा में कई लोग बाहर से पक्की हुई मूर्ति लाकर बेचते हैं, जो मूर्ति विसर्जन के बाद भी पानी में नहीं घुलती, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे मूर्तियों की बिक्री पर रोक लगाते हुए स्थानीय मूर्तिकारों को अपनी इको फ्रेंडली मूर्ति को बेचने के लिए स्टेडियम में जगह दिया जाए, जहां कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ दुकान लगाकर मूर्ति बिक्री कर सके। इस संबंध में मूर्तिकारों ने पर्यावरण विभाग को भी ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर रानू साहू ने मूर्तिकारों की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। हम लोग घुलनशील मिट्टी के मूर्ति बनाते हैं, घुलता है तो जो जिस कार्य के लिए पूजा किया जाता है उस कार्य का माने उसी से पूर्ण होता है जब घुलता है तब, और घुलनशील मूर्ति ही पूजा के लिए उपयोगी माना जाता है। और यहाँ कई व्यापारी हैं जो व्यापारी भाई पके हुए मूर्तियाँ दूसरे प्रांत से लाते हैं, प्लास्टर की मूर्तियाँ दूसरे प्रांत से लाते हैं, हैं और वो हमारे यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनके माने श्रद्धा पर उनके आस्था पर विश्वासघात करते हैं। अभी जैसे कि साल भर पहले दो बार कोरोना के लिए लॉकडाउन लग गया, पहले साल भी हमारा मूर्ति धंधा नहीं चला और इस साल भी लगता है, और इस बीच अगर जो पका हुआ मूर्ति प्लास्टर की मूर्ति यदि आती है तो एक हमारे श्रद्धालुओं का भी आस्था में विश्वासघात हो रही है और आप लोगों को भी नुकसान और हम लोगों को भी नुकसान है। इसलिए हम स्थानीय प्रशासन को आग्रह करते हैं और सूचना देते हैं और आवेदन दिए हैं कि भाई घुलनशील जो प्रतिमा है उसी का ही प्रयोग कराया जाए, और जो पका हुआ मूर्ति है प्लास्टर की मूर्ति है वो प्रतिबंधित हो, वो प्रतिबंधित हो, पर्यावरण को जिससे लाभ मिल सके। और दूसरा डिमांड ये है कि हम लोग जगह जगह दुकान लगाते हैं, दुकान लगाते हैं तो जो सामने का मकान मालिक रहता है वो अनाप शनाप किराया लेता है, इसलिए हम शासन से गुहार कर रहे हैं कि हमको स्टेडियम में कहीं भी जगह दिया जाए। इसी मंशा से हम लोग आज कलेक्ट्रेट, पर्यावरण विभाग और निगम विभाग के लिए आज पहुँचे हैं। हम सारे मूर्तिकार कोरबा के आज कलेक्टर ऑफिस आए थे कि कोरबा में ट्रकों ट्रक मिट्टी की पकी हुई गणेश की मूर्तियाँ एवं पेरिस की मूर्तियाँ यहाँ बाहर से लाकर बिक्री होती है, जो कई व्यक्तियों को पता नहीं रहता कि ये पेरिस की मूर्ति है, ये पकी हुई मूर्ति है, जिसको नदी में विसर्जन करो तो वो पर्यावरण बहुत दूषित होता है और पूजा में भी वो मूर्तियाँ निषेध हैं, जिसको हम बैन करवाने के लिए, उसको निषेध करवाने के लिए कलेक्टर को, पर्यावरण को और आयुक्त महोदय को आज लेटर दिए हैं एवं कोविड-19 को देखते हुए सारे मूर्तिकारों को स्टेडियम में जगह दिया जाए जिसे सोशल डिस्टेंसिंग से मूर्तियाँ की बिक्री हो सके बोलकर ऐसा हमने उनको दिया है, और हमारे आवेदन को भी स्वीकार किए और बिल्कुल बोले कि इस बार आप सभी के लिए पर्यावरण को देखते हुए जितनी पकी हुई मूर्तियां हैं उनको बैन किया जाएगा, सबको जो है मूर्ति बिक्री के समय चप्पी किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट।